नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे करनाल से बड़ी खबर के साथ। मारपीट के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। एसपी गंगाराम पुनिया से ग्रामीणों ने शिकायत की है। कुंजपुरा थाना प्रभारी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। पति पत्नी के विवाद के बाद दो गुटों में झड़प हुई थी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पति पत्नी के विवाद के बाद दो गुटों में झड़प हुई थी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। करनाल से बड़ी जानकारी, एसपी गंगाराम पुनिया से ग्रामीणों ने शिकायत की है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुंजपुरा थाना प्रभारी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। पति पत्नी के विवाद के बाद दो गुटों में झड़प हुई थी और इस पूरे मामले में अब ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। एसपी गंगाराम पुनिया से ग्रामीणों ने मुलाकात की है। आप देख रहे हैं तस्वीरें भी करनाल से। मारपीट के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला है। आपको बता दें कि करनाल में पति पत्नी का विवाद हुआ था, जिसके बाद दो गुटों में झड़प हुई थी और उचित कार्रवाई नहीं होने की बात ग्रामीणों की तरफ से कही जा रही है। उनका कहना यह है कि कुंजपुरा थाना प्रभारी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। खड़े हैं करनाल सचिवालय में और मेरे पीछे आप ये प्रदर्शन देख सकते हैं। ये कुंजपुरा गांव के ग्रामीण है और यहाँ पुलिस के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का आरोप है कि एक लड़ाई झगड़े के मामले में पुलिस ने नाजायज तौर पर जो है कुछ ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसी के विरोध में आज ये ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे, उनसे जानेंगे की क्या है ये मामला। मेरा नाम अमित कुमार है सर। तो कैसे क्या शुक्रवार देर रात को जब बारिश हुई तो हमारे पड़ोस में एक महिला रहती है, उसका नाम राहुल है। उसके घर वालों ने उसको इतना टॉर्चर किया वो बेचारी को, परसों रात को उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। जब उसकी सुरक्षा के लिए पड़ोसियों ने उसका साथ देने के लिए थाली, सारे पड़ोसी एक साथ हुए, पूरा समाज एक साथ होकर के उसके घर के पास गया तो अंदर से पथराव आने लगा। पथराव आने के बाद हमारे साथी वीनू कुंजपुरा को चोट लगी, जो चंडीगढ़ पीजीआई में अभी भर्ती है। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें जी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बता रहा हूँ आपको पुलिस ने क्या कार्रवाई की। सुबह जब हम लोग इकट्ठे हो गए उनके खिलाफ पर्चा लेकर के गए, पुलिस एसएचओ मनीष कुमार कुंजपुरा ने हमारा पर्चा फाड़ दिया और जो छह लोग थे उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। कुंजपुरा एसएचओ ने एक तरफा मामला फर्जी मामला दर्ज किया। बिल्कुल देखिए, नाराजगी कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर है कि एक तरफा इस मामले में कार्रवाई की है। जहां तक मामला था वो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच समझौता करवाने को लेकर था। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा।